नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मेरी कंपनी लखनऊ में है और मैं लखनऊ से अपना सारा काम ऑपरेट करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करो, जरूर बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और चैनल में अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। दोस्तों, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर सकता अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू। मैं दोस्तों इसमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं और मेरी कंसल्टेंसी पेड होती है। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए वहां से आप देख लीजिए। जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए हो मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल कैसे स्टार्ट करना है, उसमें कितनी ग्रेड्स होते हैं, क्या क्या ग्रेड्स होते हैं, उसके सारी इन्फॉर्मेशन ए से लेकर जेड मैं आपको दूंगा, जिससे आप आने वाले टाइम में अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपका जो मेरी कंसल्टेंसी होती है पूरे साल भर के लिए होती है और डायरेक्ट मैं आपसे डील करता हूँ, आप मेरे साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का कारण है कि लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि हम नॉर्मली खुद से हम स्क्रैप परचेस करके कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि इंडियन रेलवे से स्क्रैप परचेस करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं नेचुरल वे में। इसमें आपको किसी हेल्प भी नहीं लेनी होगी, आप खुद इसमें ऑक्शन कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं बना दूंगा किस तरह से बिडिंग होती है। इस वीडियो में से मैं आपको इतना बताऊंगा कि 21 जून को कितने करोड़ का स्क्रैप बेचने का अथॉरिटी मिलती है। हर साल इंडियन रेलवे हर साल एक सर्कुलर निकालती है, ये 2020 का है और ये सर्कुलर 22/6/2020 में पास हुआ था। द जनरल मैनेजर्स CASO और ऑल जोन रेलवे यूनिट प्रोडक्शन यूनिट्स, इसने ये लेटर निकाला है। इसका टारगेट प्राइस हमेशा हर साल ये निकालते हैं। इससे पहले वाले साल का 3,500 करोड़ का था, जो आपका 19-20 का था, और जो ये सर्कुलर पास हुआ ये 2021 का है। ठीक है, तो 2021 में आपका ये 4,000 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है पूरे जोन्स को, आप यहां देख सकते हैं 2021 4,000 करोड़ का पूरे जोन को फिक्स्ड ये टारगेट, एक प्रकार से कोटा होता है। तो उसी हिसाब से देख सकते हैं ये रेलवे जोन्स है और इन जोन्स में किस किस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसका वीडियो में आगे मिल जाएगा आपको। पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जोन्स के हिसाब से कितना टारगेट प्राइस इनको दिया है। ये जो टारगेट प्राइस दे रखा है, इस टारगेट प्राइस पे इनको ये अचीव करना है। तो इनके पास सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे को 350 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है इतने का सेल करने के लिए। अब आप में कितना दम है ये परचेज करने के लिए, तो ये जोन वाइज है, आप किस जोन में आते हैं आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं। आगे जो वीडियो में आगे मैंने बताया है जोन वाइज में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें आप सर्च कर लीजिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है उस जोन में आप डालिए और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना टारगेट प्राइस उनको मिला है। अब इसमें से 300 से सेंट्रल रेलवे का अगर आप ऑप्शन डाल रहे हो तो गवर्नमेंट 350 करोड़ का स्क्रैप निकाला है। अब आप में कितना दम है इसको परचेस करने का, वो आपकी कुव्वत है। आपको इतना इन्वेस्टमेंट है कि आप इसमें से 2 करोड़ भी कमा सके, 3 करोड़ भी कमा सके, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और सही इन्फॉर्मेशन देना, विद प्रूफ इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सही इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूंगा ताकि आपके साथ स्कैम और फ्रॉड ना हो सके। आप खुद इसमें स्क्रैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ी भी कोई हेल्प चाहिए हो मेरे से, जैसे रजिस्ट्रेशन में और किसी भी चीज में, तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी ये चीज कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मेल आई डी पर डाल दीजिए, एज पॉसिबल जो भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और आप इस वीडियो में देख लीजिए कि, और ये देखिए लास्ट में, ये देखिए अप्रूव्ड है, 2020 में अप्रूव हुआ था, ये टाइम डेट सब कुछ दे रखा है जून 22 में, और किसने ये अप्रूव किया है, सारे जो डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर है ये आरएस, ये विनोद कुमार जी है, इन्होंने इसको अप्रूव किया है। और तो दोस्तों, हमें ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप आयरन में डील करते हैं, अगर आप कास्ट आयरन में डील करते हैं, तो रेलवे बहुत अच्छी जगह है आपको परचेस करने के लिए। लेकिन इसके परचेस करने के लिए इसमें एक IREPS में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका मैं पूरा प्रोसेस अगले वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको मैं डाल दूंगा विद, आप देख सकते हैं किस किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के थ्रू आप फ्री में सारी चीज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यूट्यूब में, और पर्सनली मैं किसी को कंसल्ट करता हूँ तो पेड कंसल्ट करता हूँ। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्री है वो मैं पूरा यूट्यूब पर डालता रहता हूँ, आप इसमें भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और
मैं खुद भी रेलवे स्क्रैप में डील करता हूँ, रेलवे स्क्रैप का कम से कम मैं साल भर का नहीं तो 10 से 15 करोड़ का खुद में परचेज करता हूँ, और परचेज करके इसको डायरेक्ट मैं फैक्ट्रीज में सेल करता हूँ। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, हर फैक्ट्री वाला रेलवे स्क्रैप नहीं खरीदता है, क्योंकि लोग डरते हैं रेलवे स्क्रैप को। एक्चुअली क्या है कि रेलवे स्क्रैप को लोग ये समझ लीजिए कि अगर अगर किसी को लाइसेंस नहीं है और रेलवे स्क्रैप उसके यहाँ पकड़ा जाता है, तो यहाँ तक कि इसका जेल भी हो सकती है और इसका इनकाउंटर ऑर्डर भी है। आप आए दिन कभी का न्यूज सुनते होगे रेलवे की चोरी में इनकाउंटर हो गया, तो वो यही रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे का कोयला होता है, इसमें आरपीएफ वाले इसमें इनकाउंटर भी कर सकते हैं, तो हर कोई इसमें हाथ नहीं डालता है। और इसमें बहुत ही कम फैक्ट्री वाले होते जो रेलवे ट्रैक्स हो गए, रेलवे का स्क्रैप परचेस करते हैं। रेलवे में आपको काफी चीजें परचेस कर सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके मैं 6-7 वीडियो पार्ट में बनाऊंगा। उसमें रेलवे की पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे परचेस करना है, किस टाइप का मेटल ये निकालते हैं ऑक्शंस में, ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से रेट की बिडिंग करनी है, ये सारी वीडियो में आने वाले टाइम में इसी सीरीज में बना रहा हूँ। ये 8 वीडियो की सीरीज है, इसे पूरी आपको डिटेल मिलेगी। तो इस सीरीज का ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी है किस जोन को कितना टारगेट मिलता है सेल करने के लिए, अब उसमें से आप कितना परचेस कर सकते हो वो आप पे डिपेंड है। दोस्तों ये जोन्स एंड डिविजन्स हैं इंडियन रेलवे के, जिसमें आप इंडियन डिवीजन देख सकते हैं। इसमें ये अलग अलग जोन्स हैं, जम्मू कश्मीर का ये है, अलग अलग जोन्स हैं सारे, ठीक है। ये पूरे लिस्ट है जोन वाइज, किस जोन में रेलवे जोन्स है, और ये जोन कोड्स हैं जो आपने पीछे देखे थे, जो कोड्स वाइज लिखे हुए थे, कितने जोन में कितने करोड़ का स्क्रैप बिकेगा उस हिसाब से ये कोड्स हैं। ये इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है सारा, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हेडक्वार्टर्स का डिटेल है, कितने किलोमीटर के एरिया इनको मिलता है ये भी डिटेल है, कितने स्टेशन इनके बीच में है, क्योंकि स्टेशन का ही पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप रेलवे ट्रैक परचेस करते हैं तो आपको स्टेशन बाय स्टेशन खरीदना पड़ता है, क्योंकि स्टेशन वो आपको एक लोकेशन देते हैं, उस लोकेशन को ले आके वो आपको स्टेशन पे दिखाना है, फिर वो आपको एक लोकेशन दे देंगे उस नंबर को देख के कि किसके बीच में पड़ा हुआ आपका रेलवे ट्रैक, तो आपको उस लोकेशन में जाके आपको माल मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि किस जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इस जोन में देख लीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा डिटेल दे रखा है इसमें, ठीक है। ये आपको गूगल पे भी मिल सकता है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताया है। ये देखिए, आप इसको स्टॉप करके आराम से देखिए कौन सा आपका जोन है और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है। इसमें और भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए आराम से, इसमें सारा कुछ मैं अभी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। सदर्न साउथ सेंट्रल रेलवे का है इसमें, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और दोस्तों ये रेलवे के डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके हेड वाइज डिपार्टमेंट्स ये है एड्रेस, जो इनके जो इनको मैनेज करते हैं, जो इनके ऑफिसर्स होते हैं, उनका ये डिटेल है पूरी, और उनका फंक्शंस क्या है ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको यही पता चल गया होगा कि किस जोन को कितना कोटा मिलता है, कि रेलवे ऑलमोस्ट खुद चाहती है कि ज़्यादा लोग उनके पास आए खरीदने के लिए। फॉरेन की कई कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से परचेस करके ले जा रही हैं, तो इंडिया के लोग क्यों ना फ़ायदा उठाएं इसका। तो आप भी जाइए, इस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और इसका फ़ायदा आप भी उठाइए। आपके साथ अगर जैसे नॉर्मली किसी प्राइवेट पार्टी के साथ डील करते हो, उसका फ्रॉड होना अपना 100% है आपका, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि आज के टाइम में सबको सबके रेट पता है, मेटल स्क्रैप रेट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया, किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो, और अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों लास्ट में आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद नहीं आई तो वही बताइए कमेंट करें क्यों पसंद नहीं आई। अगर आपकी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट भी करके बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डला हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए, कोई इंक्वायरी हो आपकी तो भी मैं आपकी फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए, नमस्कार।